नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ऐसी घटना घटी है जिससे पुलिस प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, 24 नवंबर की रात तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच चमोली के जोशीमठ के रहने वाले एक युवक विपिन पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल विपिन 24 नवंबर की रात अपने दोस्तों के साथ दून दरबार के बाहर से गुजर रहा था। इस दौरान स्विफ्ट डिजायर में सवार कुछ अज्ञात युवकों ने विपिन और उसके दोस्तों पर अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू की। टिप्पणियों की वजह से दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। विवाद के चलते हाथापाई हुई। हालांकि विपिन के दोस्तों का ये कहना है कि मामला शांत हो गया था, लेकिन कार में सवार एक युवक विनीत अरोड़ा के दिमाग में ना जाने क्या आया और वो अचानक से बेसबॉल बैट लेकर आया और विपिन के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से विपिन की हालत अधमरी हो गई। ये देखकर कार सवार युवक फरार हो गए। विपिन को गंभीर हालत में महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां 3 दिसंबर यानी कि कल उसकी मौत हो गई। 24 नवंबर की रात से लेकर 3 दिसंबर तक विपिन जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने में तो देरी की ही है, साथ ही मामले को रफा दफा करने का भी दबाव बनाया है। समझौता करने का दबाव परिजनों पर बनाया गया है पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा। साथ ही इस मामले में अब बद्रीनाथ विधायक का भी ये बयान आया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी गई है, लेकिन परिजनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। परिजन चौकी प्रभारी के निलंबित होने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं।